हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एनीथिंग। जी तो कैसे हैं आप सब? बहुत अरसे से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। उसके कुछ रीज़न्स हैं, घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी और इतनी बिज़ी थी कि बिल्कुल भी टाइम ही निकाल पा रही थी कि कोई वीडियो बनाऊं और फिर उसको अपलोड करूं। आपको पता है एडिट भी करती हूं तो एडिटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि बिल्कुल भी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब काम कर सकूँ। लेकिन अब मैं काफ़ी जो है वो फ्री हो चुकी हूँ अपने घर के कामों से और इंशाल्लाह मैं अब अपनी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी। आप मुझे बताएं कि रमज़ान के हवाले से अगर कोई आपको रेसिपीज़ चाहिए तो वो मुझे बताएं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑल दो ये जो मंथ है हमारा मई का, ये भी बहुत ज़्यादा बिजी है हमारे लिए क्योंकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान की माशाल्लाह अपनी ही मसरूफियत होती है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियोस अपनी शेयर करती रहूँगी और इतना लंबा गैप नहीं आएगा। आप जी तो अभी मैं चॉप कर रही हूँ कैप्सिकम और कैरेट, और ये मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस और साथ में उसके चिकन मंचूरियन। और जो कि मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि ये वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। दोनों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप प्लीज़ जाएँ और इन वीडियोज़ को देखें, इंजॉय करें। और प्लीज़ जो नए हैं, मुझे नए देखने वाले हैं, जो मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखें, एंजॉय करें और मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक देते रहें कि मैं किस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं और किस तरह की डिशेस चाहिए आपको रमज़ान के हवाले से। और इसके अलावा जिस तरह की भी आप वीडियोस कहते हैं, रेसिपीज़ कहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी ये देखें एग फ्राइड राइस और मेरा चिकन मंचूरियन जो है वो रेडी हो चुका है और बहुत भूख लग रही है। अभी बस मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फिर हम लोग इसको यमी यमी मंचूरियन और एग फ्राइड राइस को एंजॉय करते हैं। जी तो एक दो दिन पहले मैं गई थी मेकअप सिटी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे बेस चाहिए थी और मुझे फेस पाउडर बहुत ज़रूरी चाहिए था। तो मैंने वहाँ से ली हैं ये दोनों चीज़ें। और ये देखिए मैक्स फैक्टर का मैंने ये प्रेस पाउडर लिया है और जो ये हैं इसका मुझे टेक्सचर बहुत ही स्मूथ सा लगा। और इसका मैंने कभी मैक्स फैक्टर का ये यूज़ नहीं किया, बट फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके अलावा बेस में लेकर आई हूँ जो कि इसकी मुझे कवरेज अच्छी लगी थी, ये है मैक्स फैक्टर लास्टिंग परफॉर्मेंस 103 वार्म न्यूड, इसका शेड है। और मुझे शेड पसंद है जो नेचुरल लगे, मुझे ज़्यादा वाइट में जो ग्रे कर देते हैं फेस को, ऐसे शेड मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये मैं आपको अपने हैंड पर थोड़ी सी अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखें ये बहुत ही इसकी अच्छी कवरेज है और जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने उसी के साथ जो है वो पाउडर लिया, उसका टेक्सचर मुझे बहुत स्मूथ लगा और ये मुझे दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और ये दोनों मुझे प्रोडक्ट्स मिली हैं 2200 की सेल में। इनकी मुझे एक्चुअल प्राइस दोनों के याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि 2200 पे मुझे मिल गई थी। और आप मेरे दोनों हैंड्स में फर्क देखें कि उसकी जो कवरेज है वो कैसी है। और इसके अलावा मैं गई थी बुनैजा सतरंगी, वहाँ से मैंने लिया है एक स्कार्फ़। मुझे स्कार्फ चाहिए थे बहुत ही सॉफ्ट से स्टफ़ में कि गर्मियों में अगर आप लें तो वो आपको बहुत ज़्यादा लाइट लगे और बहुत आपको अच्छा कूल सा इफ़ेक्ट दे। तो मैंने काफ़ी ब्रांड्स देखी लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो स्टफ़ मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला बुनैजा सतरंगी से। और ये मुझे स्कार्फ मिला है 50% ऑफ में,
ये था 880 का और ये मुझे अब मिला है जी 450 में। ये देखें इसका जो स्टफ़ है वो बहुत ही सॉफ्ट सा है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा जी। तो आपको कैसे लगी आज की मेरी वीडियो, और प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और आगे भी मुझे जिस तरह की वीडियोस आपको पसंद हैं मुझे बताते रहें कमेंट्स में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और ईद तक मेरे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ कर दें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।